हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली हम लोग जब कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं तो काफ़ी मसाला, काफ़ी ऑयल वगैरह यूज़ करके बनाते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सिंपल तरीके से बनाऊंगी और ये खाने में उतनी टेस्टी लगेगी। और रेगुलर हम लोग इतना हैवी मतलब मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैंने ये कटहल ले लिया है, इसको पानी में डिप करके रखा है। ये मैं अपने सब्ज़ी वाले भैया से कटवा के लाई थी, तो उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अगर आपके पास कटहल है तो आप पहले उसको काटते हैं, फिर उसके बाद ऐसे छोटे छोटे पीसेस आ जाते हैं। इसमें बस मैंने जो ये गुठली थी इनको छील दिया है और बस इसके बाद ये रेडी है। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी और उसके बाद फिर हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए इस कटहल को हम थोड़ा बॉईल करेंगे क्योंकि ये हार्ड होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। ये मैंने कुकर में कटहल ले लिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको मैं बॉईल करूँगी बस एक विसल आने तक, एक सीटी आने तक इसको बॉईल करेंगे ताकि हल्का ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसकी सब्ज़ी अच्छे से बनेगी। ये देखिए, इसमें एक विसल आ गई है और मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसको हम ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद फिर हम कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए मैं जो मसाला यूज़ करूँगी उसमें मैं डालूँगी लहसुन और प्याज। ये मैंने प्याज एक बड़ा ले लिया है और लहसुन की 4-5 कली ले ली हैं। इसका मैं स्मूथ पेस्ट बना लूँगी और इसको हम यूज़ करेंगे। चलिए सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। इसको गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद फिर हम इसमें अपने मसाले को ऐड करेंगे। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले हींग। आप जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा टोटी ऑप्शन है, मैं अभी यूज़ नहीं कर रही। इसमें मैंने डाला है, इसमें मैंने ये डाला है लहसुन प्याज जो मैंने पीसा था, उसको हम डालेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इस मसाले को चला चला के हम 5 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे, ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद फिर हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मसाला एकदम अच्छे से भुन गया है, इसका ऑयल एकदम अलग होने लग गया है और कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं ऐड करूँगी सबसे पहले हल्दी। हल्दी पाउडर हम डालेंगे, इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, अगर आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर और इन सारे मसालों को भी मिक्स करके भून लेंगे। और साथ में डाल देते हैं नमक। नमक हमने उसमें भी डाला था जब कटहल को बॉईल कर रहे थे, तो थोड़ा कम ही डालें, बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें डाल लेती हूँ हल्का सा पानी ताकि ये मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, सारे मसाले भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी कटहल जो हमने बॉईल करा था, इसको डाल देंगे। और मैं इसमें पानी डालूंगी बिकॉज मुझे ये ग्रेवी वाला बनाना है। अगर आप सूखा बनाना चाहते हैं तो पानी को ना डालें बिकॉज इसमें अभी ऑलरेडी पानी है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और डालूंगी। और उसके बाद ये 10 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा, उसके बाद हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, मैंने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और ये अब हम इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकने देंगे, 10 मिनट बाद फिर हम चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं सब्ज़ी कैसी बनी है। मैंने इसको बीच में एक बार चेक करके देख लिया था ताकि ठीक थी, और अब ऑलमोस्ट ये रेडी है। ग्रेवी मैं इतना ही रखूँगी, साथ में हम सबसे एंड में इसमें डालेंगे गरम मसाला और नमक मिर्च। मैंने टेस्ट किया था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। गरम मसाला डाल के इसको चला के और बंद कर देंगे फ्लेम को, सब्ज़ी रेडी है। अगर आपको ग्रेवी कम चाहिए तो आप इसको इसको अभी थोड़ा और पका लें ताकि ये जो इसकी ग्रेवी है कम हो जाए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और सब्ज़ी हमारी रेडी है। ये देखिए, कटहल की सब्ज़ी रेडी है। आप इसको बनाइए और बताइए आपको कैसी लगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू, टेक केयर।